नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है। उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे घर के बगल में देखिए हमारा धान है और काफ़ी फूट आया है। और दोस्तों, आप लोगों को आज बढ़िया सी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। और दोस्तों, जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ऐसे मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाकर दिखाती रहूँगी। तो ये भैंस का चारा है, यहाँ पे किनारे पे लगाया हुआ है। चलिए मैं खेत के अंदर अब चलती हूँ। और दोस्तों, ये देखिए, आप लोग तो पहचान ही होंगे ये किस चीज़ का पेड़ है। तो ये है सनई का, सनई का फूल का मैं रेसिपी बनाऊँगी दोस्तों। तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं, ये जो सनई होता है इसका शायद बीज का ही कुछ मतलब बोने के लिए काम आता है, उसके बाद इसका ये रेसिपी भी बनती है। और जो ये इसमें जो निकलता है दोस्तों, इसका छिलका, इसकी चारपाई बीनी जाती है। तो ये देखिए, मैं ऐसे ही तोड़ लेती हूँ, बहुत आसानी से टूट जाता है ये। और देखिए, इसमें फूल भी लगे हैं, देखिए फूल बहुत ही बढ़िया है। और ज़्यादा फूल नहीं लूँगी, पर थोड़ा बहुत लूँगी मैं। तो दोस्तों, आप लोगों से बता दूं कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 2-3 दिन लगातार दोस्तों। और काफ़ी लोगों का घर गिर गया है दोस्तों, जो कच्ची का माटी का घर था वो गिर गया है, मड़े गिर गई है। तो काफ़ी लोग का अनाज ख़राब हो गया है और काफ़ी लोग अपने मतलब चले गए हैं दूसरे जगह पे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे गांव वाले काफ़ी हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि कुछ अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आज भी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, आज भी लगता है बारिश होगी। तो थाली में फूल कितने बढ़िया लग रहे हैं सनई का। तो दोस्तों, सनई का फूल हमने ले लिया है और मैं अब चलती हूँ घर पे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक लगते रहिए और आप लोगों को बहुत बढ़िया सी रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अपने घर के पास हम पहुंच चुके हैं और बारिश भी होना स्टार्ट हो गया है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, पर देखते हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बन पाएगा कि नहीं। तो सनई के फूल दोस्तों सूखने में जो डंठल आ गया है, मैं उसको अलग कर लेती हूँ, दूसरी थाली में अच्छे से रख लेती हूँ। ये देखिए, तो ऐसे ही डंठल को मैं रख देती हूँ बाहर। तो फटाफट मैं इसके डंठल को अलग कर लेती हूँ। तो चूल्हे में आग को हमने जला लिया है, अब इस पे रखते हैं भगोना, भगोने में डालते हैं पानी। तो इस तरफ हमारा पानी गर्म होगा और इस तरफ मैं सनई के फूल को धो लेती हूँ। तो ऐसे ही हम दो पानी धोएंगे। तो अब पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं सनई का फूल। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, थोड़ा सा उबालना है इसको।
पानी में इसको डुबो देते हैं। अब ढक और इसे ढककर उबालते हैं। दोस्तों इसका ये उबल रहा है, मैं इसको थाली को हटा देती हूँ और एक बार इसको चला देती हूँ। तो पानी देखिए नीचे गिर रहा था, मैं थाली को हटा दे रही हूँ और थोड़ा सा इसको चला दे रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए कितना कलर बदल गया है। और दोस्तों बिना उबाले ही आप लोग बना सकते हैं, मैं इसे उबाल कर बना रही हूँ, थोड़ा सा नरम रहेगा सब्जी। और मैं इसे ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए और उसे इधर मैं लहसुन का छिलका उतार लेती हूँ। ऐसे ही लहसुन का छिलका उतार लेते हैं तड़का देने के लिए। तो लहसुन को मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ और मिर्ची को भी। तो सनई हमारा उबल चुका है, तो हम इसको भगोने को चूल्हे पर से उतार लेते हैं और सनई को दूसरी थाली में निकाल लेते हैं। तो थोड़ा तिरछा थाली रखेंगे जैसे पानी एक तरफ हो जाए। एक्स्ट्रा पानी जो है उसको मैं निकाल देती हूँ। तो दोस्तों देखिए पानी एक तरफ हो गया है और देखिए बहुत ही अच्छा से पका है, आप लोग दिखा देते हैं। ये देखिए अब मैं रखती हूँ चूल्हे कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डालते हैं सरसों का तेल। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं लहसुन और मिर्चा का तड़का। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। तो देखिए हमारा ब्राउन कलर का हो गया, इसमें डाल देते हैं हल्दी। तो दोस्तों इसमें मसाले हम नहीं डालेंगे और इतने मसाले पड़ते ही नहीं दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा तड़के का सब्जी है। तो ऐसे इसको हम डालकर चला लेते हैं। दोस्तों तेल में बहुत अच्छे से हमने भून लिया है और लहसुन का खुशबू दोस्तों बहुत ही बढ़िया से इसमें आ रहा है। और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद भी रहेगा और बहुत ही टेस्टी भी रहेगा। अब लास्ट में डालते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर मिला देते हैं और धीमी आंच में से पकाते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें। अब थोड़ा सा मैं इसको और भूनते हुए पकाऊंगी और इस तरह मैं आटे को तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों बारिश होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए बहुत अंधेरा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो आटे को हमने तैयार कर लिया है और इस तरह आप लोग को चले सब्जी दिखा देते हैं कैसे हमारी बनी हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है और इसमें थोड़ा सा जो मैंने हल्दी डाला था उसमें कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है दोस्तों। और देखिए इसमें मैंने लहसुन और मिर्चा का तड़का लगाया है दोस्तों, मसाला बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है और बिना मसाला का दोस्तों बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही फायदेमंद भी होगा। तो दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं इसके साथ बनाने मतलब मैं बनाऊँगी मोटी रोटी जिसे हम लोग कोचा कहते हैं। सनई का फूल का हमने ये सब्जी बनाई हूँ, सूखी, इसमें मसाले बिल्कुल नहीं पड़े हैं दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों जो नए हैं हमारे चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए बाय बाय।